हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट एचटीएमएल में बना सकते हैं। सबसे पहले बात हम ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट इन दोनों की करेंगे। यूएल टैग ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल टैग यूज़ होता है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर यह वीडियो मैंने बनाने का फैसला किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं और वो काफ़ी बिगिनर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनकी उन्हीं के लिए है। तो चलिए ये नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ एचटीएमएल लिखते हैं, हेड, हेड के बाद टाइटल। यहाँ पे मैं सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे टाइटल को, देन हेड को भी क्लोज करेंगे। हेड को क्लोज करने के बाद बॉडी टैग ले लेंगे। अगर आप बैकग्राउंड पे कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ बीजी कलर लिख सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड इमेज लिख सकते हैं, ठीक है। बॉडी बैकग्राउंड लिख करके वहाँ इमेज लगा सकते हैं। नीचे आएंगे, हमें कुछ नहीं लगाना। यहाँ पर लिखेंगे UL type is equal to, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा disk, DISC, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमें लगाना है LI, ठीक है, और LI में लिस्टिंग करनी है। जैसे मैं लिखता हूँ जनवरी, ठीक है, LI को क्लोज करिए। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। फरवरी, ये मार्च हो जाएगा, तो ये तीन महीने की एक डिटेल, और फिर यहाँ पे अप्रैल कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मई कर लेता हूँ। ये डिटेल हमने क्रिएट की है, तो अब इसको देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फरवरी, यहाँ पे लिख सकते हैं मार्च, यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रैल, यहाँ पे मई, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से यूएल को क्लोज कर देते हैं। देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। बॉडी को क्लोज करेंगे और एट लास्ट एचटीएमएल को क्लोज कर देंगे। जो सबसे पहले आता है वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है एचटीएमएल में। यहाँ से हम इसको सेव करेंगे और डॉट एस टी एम एल एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करना है। मैं यहाँ पे अन लिख करके और डॉट एस टी एम एल लिख देता हूँ। कोई भी नाम आप दे सकते हैं लेकिन डॉट एस टी एम एल लगाना ज़रूरी है। सो आइए देखते हैं कि क्या हुआ है। ये है, डबल क्लिक करते हैं इस पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ डिस्क दिया था तो किस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डिस्क की जगह सर्कल दे दें तो क्या होगा। यहाँ पे हम सर्कल देते हैं, यह है डिस्क, ठीक है। इसकी जगह हम सर्कल भी दे सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इतने पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ले आके नीचे मैं करूँगा पेस्ट, ठीक है। यहाँ से कर दिया हमने पेस्ट, तो अभी यही चीज़ यहाँ डिस्क लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल, तो यहाँ से सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे इसको सेव करना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्या होता है। डबल क्लिक किया तो यहाँ देखिए सर्कल बना हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं इसको किस तरह से ये सर्कल बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। हम और भी चीज़ें बना सकते हैं इसमें, लेकिन फिलहाल ये एग्जाम्पल आपको समझने के लिए काफ़ी होगा कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह से हम बना सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।